हाय व्हाट्स अप रेड एफएम देहरादून पर, मैं हूं आरजे गौर और रेड इंडी शफल ये शो आपके लिए लेकर आता हूं इंडी म्यूजिक इंडी आर्टिस्ट की बातचीत मंडे टू सैटरडे दिन के 3 से 5 करते हैं। ये तो हुआ मेरा इंट्रोडक्शन, लेकिन हमारे रेड एफएम के स्टूडियो में कोई ना कोई ऐसे पर्सनैलिटी आते हैं जिनका काम बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब है। सो मेरे साथ अभी वो पर्सन है जो इंस्टाग्राम की रील्स में बंदा छाया हुआ है और उत्तराखंड का शायद ही कोई इंस्टा पेज होगा जिसने भाई के जो गाने हैं ना, मतलब उत्तराखंडी फोक सॉन्ग्स का जो वर्जन भाई ने डालने चालू किए तो उसको शेयर ना किया हो। सो निखिल सकलानी भाई का नाम है और भाई यार स्टूडियो में, वेलकम यार एक बार तालियों से। क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फर्स्ट टाइम रेडियो में आ रहे हो? पहले आयो कभी? नहीं, फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है स्टूडियो? काफी अच्छा है, काफी अच्छा लग रहा है अभी यहाँ बैठ के आपके साथ बात करने में। बहुत सही। सो निखिल की रील्स वगैरह उत्तराखंडी फोक सॉन्ग करके तुमने डाला हुआ है ना? हाँ जी, 6 गाने अभी तक डाले हैं। 6 गाने डाले हैं। हाँ। तो बेसिकली उसमें फोक सॉन्ग्स को मैंने अपनी नई स्टाइल में थोड़ा आपने रेंडिशन बना के डाला है। उसी के साथ साथ जो पुराने गढ़वाली हिट्स हैं कुछ, जैसे घर जमाने से गाने हैं वो भी, उनका नया वर्जन थोड़ा सा अपने स्टाइल में बना के डालने की कोशिश करें। तो ये आइडिया आया कहाँ से? किसी ने सजेस्ट किया या खुद से आया? वेल, इसके पीछे एक स्टोरी है थोड़ी इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली ऐसा हुआ था कि मैं अपने मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था। अच्छा। मेरे को मास्टर्स करना था तो उसी बीच में मतलब इन सब चीजों में बहुत बिजी था, पर फिर मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड करा कि हमें एक बद्रीनाथ जी की ट्रिप पे जाना चाहिए। तो उस ट्रिप के दौरान मतलब हम बीच में कहीं गांव वगैरह में रुके, अपने रिलेटिव्स के साथ रुके और बीच में रुद्रप्रयाग वगैरह हर जगह बीच में हम रुकते रुकते गए। तो वहां पर जाके मेरे को बहुत ऐसा लगा कि म्यूजिक तो मैं करता ही हूँ लेकिन अपने उत्तराखंड के बारे में भी मेरे को कुछ म्यूजिक बनाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो फिर मैंने शुरुआत करी, रुखसारा मोती उस टाइम पे बहुत चल रहा था तो एक छोटा सा उसका कवर बनाया और वहां से मैंने सोचा कि इसके बाद अब उत्तराखंडी गानों का थोड़ा अपना रेंडिशन बना के डालना स्टार्ट करता हूँ। और बहुत लकी भी रहा मैं कि सबका इतना प्यार मिला, तो काफी अच्छा चल रहा है तब से और अभी आगे भी उम्मीद है कि और डालता रहूंगा। तो मैं देख रहा था अभी जो लेटेस्ट सॉन्ग तुमने डाला लास्ट, अभी 6 कौन सा वाला तुमने अभी डाले लास्ट? तू दिख्यांदी जनी जुनियाली। तो उसको एसके सर ने भी शेयर किया। अभिलाष थपलियाल उत्तराखंड से भाई बिलोंग करते हैं और मतलब वो फिल्मों की दुनिया में और टीवी की वेब सीरीज की दुनिया में, इनफैक्ट अभिलाष थपलियाल मैं आपको बता दूं रेडियो जॉकी भी रहे हैं, वो रेड एफएम के साथ भी वो रेडियो जॉकी रहे हैं और बाकी बहुत सही बॉलीवुड में और वेब सीरीज में काम करते हैं। तो अभिलाष थपलियाल ने भी शेयर किया काफी इमोशनल मैसेज के साथ। हाँ जी हाँ जी। हाँ। काफी अच्छा लगा मेरे को उनका मैसेज देख के और उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट करा था मेरे को, तो मतलब दिस इज अनरियल, मतलब काफी अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ कि तुम गाने वगैरह तो कवर सॉन्ग्स वगैरह ये पहले से तुम डालते आ रहे थे? हाँ जी। लेकिन ये जो उत्तराखंडी फोक सॉन्ग की सीरीज तुमने शुरू की, इसको सबसे पहले किसने शेयर किया जहां से ये एकदम बूम हो गया, कुछ ऐसा याद है? कुछ ऐसा हुआ या फिर कैसे करके ये हुआ? स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ था कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया रुखसारा मोती डाला था, तो दिग्विजय सिंह परियार जी ने सबसे पहले अच्छा लाइक करा था। हाँ। तो वहां से भी इनकरेजमेंट मिला और उसके बाद एकदम से मतलब जैसे मैंने देखा कि सभी शेयर कर रहे थे उत्तराखंड के, मतलब सभी जगहों से लोग शेयर कर रहे थे, मेरे को मैसेज भेज रहे थे, बहुत प्यार आ रहा था। तो वैसे ही धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और सबने वैसे रिक्वेस्ट करी कि मतलब और डालना चाहिए, तो बस मैंने वही लोगों की बात सुनी और डालना स्टार्ट कर दिया। और इनफैक्ट आप अगर भाई के इंस्टा हैंडल पे जाके देखेंगे ना तो जो उत्तराखंडी फोक सॉन्ग की सीरीज है उसी पे सबसे ज्यादा व्यूज भर भर के लाखों में मामला चल रहा है ना। और एक सॉन्ग तो आई गेस वो 8 लाख समथिंग पे चल रहा है, वो मतलब 1 मिलियन व्यूज टच करने वाला है। हाय तेरी रुमाला यार, बहुत सही बहुत सही। तो कोई ऐसी पर्सनालिटी, कोई ऐसा सेलिब्रिटी, कोई ऐसा जिसने शेयर किया या तुम्हें स्पेशल कॉमेंट दिए, कोई ऐसा किसी का किस्सा है? हाँ जी हाँ जी, बहुत ऐसा भी है। अभी जैसे आपने बताया अभिलाष थपलियाल जी ने, उन्होंने भी वीडियो शेयर करी थी, काफी अच्छा लगा था। उसके अलावा हमारे काफी उत्तराखंड से जो अभी काम कर रहे हैं बॉलीवुड में भी हर जगह, उन्होंने भी काफी मेरे पोस्ट लाइक करे हैं, कमेंट अप्रिशिएट किया है, अप्रिशिएट किया है बहुत। तो ये रहा। बहुत सही। सो उत्तराखंड में कहाँ से बिलोंग करते हो? उत्तराखंड में मैं पुरानी टिहरी से बिलोंग करता हूँ, बेसिकली गांव मेरा पुरानी टिहरी में था, फडियार गांव। अब तो वो डूब चुका है अनफॉर्चुनेटली। तो फिर मैं बॉर्न एंड ब्रॉटअप में यहीं पे हूँ, मेरे पेरेंट्स भी मतलब शुरुआत से यही रहे हैं देहरादून में। अच्छा अच्छा सही। तो कुछ सुन ले फिर तुम्हारा जलवा। बिल्कुल सर। इंसानी लेगा
तेरे मखमली अंगनी, सानी ले गगरे मखमली अंगनी, केवले चजिर रंगीले पे छोड़े, केवले चजिर रंगीले पे छोड़ी, गाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी, केवले चजिर ना क्योंकि न थोड़ी, केवले चजिर ना क्योंकि न थोड़ी, गाय तेरी रुमाला धर्म की तोड़ी डाली बोया बनू बीथ पतरा, धर्म की तोड़ी डाली चलू कतरा, जी कबन बोया बनू बीथ पतरा, जी कबन बोया बनू, जी कबन बोया बनू बीथ पतरा, धर्म की तोड़ी डाली चलू कतरा, जी कबन बोया बनू आज का दिन तू होले घर पना, आज का दिन तू होले घर पना, ओ याद आली मैं कहनी तेरे बिना, ओ याद आली मैं कहनी तेरे बिना, घुट घुटू में थे बटूले ले गए, घुट घुटू में थे बटूले ले गए, ओ याद आ ली मैं कहनी तेरे बिना, ओ याद आ ली मैं कहनी तेरे बिना। बहुत सही यार, क्या बात है, लाजवाब। थैंक यू सर। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, स्टूडियो में मैं बैठा हूँ अभी, लाइव ये जो सुन रहा हूँ ना, तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि क्या कमाल गायकी, कोई ऑटो ट्यून की, किसी इफेक्ट की, किसी चीज की जरूरत नहीं है, बहुत प्योर गायकी। कितने टाइम से सीख रहे हो ये गिटार, और मतलब तुमने ट्रेनिंग ली है क्या? मैंने गिटार की ट्रेनिंग ली है। अच्छा, मतलब गाने की ट्रेनिंग ऐसे। अच्छा, सिंगिंग की ली तुमने? सिंगिंग की ट्रेनिंग, देख सुन के सीख लिया। यार ये होता है नेचुरल टैलेंट। तो गिटार क्या बचपन से बजा रहे हो? हाँ, बचपन से ही। ऐसा है कि क्लास 3 में मैंने सीखना शुरू करा था, तो जो मेरी टीचर थी गिटार की, वो मेरे स्कूल में भी थी, तो काफी मतलब उन्होंने मेरा चांस दिया स्कूल में भी, और उसी दौरान गाने का भी मेरे को थोड़ा पता चला कि मैं गा सकता हूँ, तो गाना भी स्टार्ट करा मैंने स्कूल लेवल से ही। उसके बाद कॉलेज लेवल में बहुत सीखने को मिला, उसके बाद फिर ग्रो करता रहा, वहीं से सीखता रहा। कॉलेज में तो फीमेल फैन फॉलोइंग खूब बन गई होगी। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी बहुत तो। हाँ जी, हाँ जी, बन गई थी। ये सही है यार, आई लाइक योर ऑनेस्टी। तो ये जैसे तुमने रील्स वगैरह डाली, तो इसको लेकर पेरेंट्स का, फैमिली का, उनका कैसा रिस्पांस रहा? वो ये कह रहे थे कि अरे क्या कर रहा है, या फिर ये हो रहा है, क्या कर रहा है? नहीं नहीं, उनका हमेशा सपोर्ट रहा है। हाँ, हर उसमें ही, मतलब पहले भी रील्स डालता था, उसमें भी सपोर्ट रहता था, पर उनका भी मतलब हमेशा से मन था कि अपना गढ़वाली उसमें भी डाले कुछ, उत्तराखंडी फोक सॉन्ग्स वगैरह भी डाले, तो वो बहुत खुश है कि मतलब अब मैं डालने लग गया हूँ रेगुलरली, और इतना अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, घर वाले तो बहुत खुश है। तो अब तो ऐसा होता होगा, तुम रील डालते होगे, मम्मी पापा लग जाते होंगे रील भेजने पे, ये बेटे की रील आ गई है। नहीं, एक्चुअली ऐसा हुआ है कि जितने भी मेरी रील्स हैं, तो वो मेरी मम्मी ही रिकॉर्ड करती है मेरे साथ। अच्छा, तो ऐसा है कि जो भी रील्स उन्होंने रिकॉर्ड करी है, वो अभी तक मतलब बहुत अच्छी रही है, तो मैं मम्मी को कहता हूँ कि आपका गोल्डन टच है जो आप रिकॉर्ड करते हैं, उसमें व्यूज आते हैं, और जो नहीं करती हैं उसमें उतने व्यूज नहीं आते, पता है, सच्ची में ऐसा है। क्या बात है आंटी जी, मतलब आप तो ऐसे आप वीडियो बनाइए यार, खेल के आप बनाते रहिए, बढ़िया, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से जो है बहुत अच्छे अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो बहुत सही। अच्छा ये बताओ, ये तो चलो ठीक है, उत्तराखंडी फोक सॉन्ग्स को लेकर तुम डाल रहे हो वीडियोस, ओरिजिनल सॉन्ग्स वगैरह के बारे में भी सोचा है, बनाओगे फ्यूचर में, उस डायरेक्शन में बढ़ोगे? बिल्कुल बिल्कुल, ओरिजिनल सॉन्ग्स के बारे में भी मैंने सोचा है, काफी टाइम से सोच रहा हूँ, कॉम्पोजिशंस वगैरह थोड़े लिखे हैं अपने खुद के, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ वो नहीं मिला था, मेरे को थोड़ा पुश चाहिए होता है कि रिलीज करने के लिए, पर अब काफी मेरे को इनकरेजमेंट मिल रहा है जैसे, तो जल्दी निकालने की कोशिश करता हूँ। ऑडियंस भी बिल्डअप हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ,
तो यार तुम्हारे ओरिजिनल सॉन्ग्स वगैरह कहाँ पर आएंगे भाई? कुछ यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ है तो बता दो पब्लिक को अभी से। हाँ जी बिल्कुल, मेरा यूट्यूब चैनल है, वो भी मेरा सेम इंस्टाग्राम, दोनों का एक ही यूजर नेम है, निकजार्ड NIKZARD करके। अच्छा, और कुछ भी होता है अपडेट वगैरह रिगार्डिंग ओरिजिनल्स वो सब वहीं पे पोस्ट करूंगा। किसी ने साथ में कोलैब करने के लिए, साथ में काम करने के लिए अप्रोच किया क्या? हाँ जी, काफी लोगों ने अप्रोच किया है और काफी प्रोडक्शन हाउस ने भी बोला है कि गाना रिलीज करते हैं साथ में, फिर वो भी चल रहा है साथ में काम। आप ये जो आज वीडियो देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट इंटरव्यू है निखिल का, निखिल सकलानी का। हो सकता है आज से 1-2-5 साल बाद निखिल जब सुपरस्टार बन जाएगा तो आप वापस आकर ये वीडियो देखेंगे और आप देखेंगे कि जर्नी जो है यहाँ पर लगभग शुरू हुई थी निखिल की, है ना। तो निखिल, जाते जाते एक परफॉर्मेंस और हो जाए। बिल्कुल हाँ, तो चलिए सुन लेते हैं। बहुत सही, बहुत ही लाजवाब। सो दैट इज निखिल सकलानी। और यार मैं दादा बिल्कुल, मतलब क्या बोल देना, बोल देन मजा ही आएगा एकदम ना, छप छप पड़ेगी जी मां एकदम बिल्कुल मजा आएगी। तो इन चाहिए निखिल सकलानी बुला नोच, ठीक छे ना? तो टेरी बटी से बुला पड़ो और उत्तराखंडी गीत यू गांधो इंस्टाग्राम मां ये की रील बहुत प्यार मिल दू तो है, तो आप और भी प्यार जो चुना कि आपको और ज्यादा प्यार देना है, भाई को सपोर्ट करना है, क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट के लिए यही सबसे बड़ी कमाई होती है। तो भाई के आगे ओरिजिनल सॉन्ग्स वगैरह भी आएंगे तो उनको भी प्यार देना है। भाई ने अपना इंस्टा यूट्यूब बताई दिया आपको, निकजार्ड नाम से है, NIKZARD, है ना। तो आप जाके फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना, बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर देना। निखिल बोला बहुत धन्यवाद, है ना, मजा आया ना? बिल्कुल। तो बस ऐसी आर्टिस्ट आप तक लेकर आते रहेंगे, है ना। और आप 93.5 FM बजाते रहो। गुड बाय।